वाह वीर, तुम्हारे बात से अभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। चोर को पकड़ना तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बस हमें ये चेक करना है कि यहाँ किसके दाढ़ी में तिनका है। जिसकी दाढ़ी में तिनका वही चोर। और अगर चोर की दाढ़ी नहीं हुई तो तब तक इंतजार करेंगे जब तक चोर की दाढ़ी नहीं आ जाती। लेकिन हमारे पास इंतजार करने के लिए टाइम कहाँ है? और जब टाइम कम हो तो वो काम करना चाहिए जो चुटकी बजाते ही हो जाए। बुलाओ जिंटू को, चुटकी बजाते ही आ जाएगा और एक सेकंड में चुटकी बजाते ही पकड़ लेगा चोर को। मैं हूँ जिन। निकलो यहाँ से। कहो वीर, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसके लिए तुमने मुझे याद किया? जिंटू, हमारे स्कूल में कोई चोर आ गया है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की सामान की चोरी कर रहा है। जाकर पता लगा कि वो चोर कौन है और जो भी चोर है उसे बोरी में बंद करके मेरे सामने लेकर आओ। इतना सिंपल सा काम? मुझे लगा कोई बड़ा काम होगा जो तुमसे नहीं हो रहा है। खैर, मैं अभी चोर को पकड़ कर लाता हूँ बॉस। ये लो। ये क्या किया तुमने? इतने सारे चोर कहाँ से आ गए? हमें तो सिर्फ एक ही चोर चाहिए था। तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा चोर तुम्हें चाहिए। मैं तो उन सब लोगों को पकड़ लाया जिन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी में कभी ना कभी चोरी की है। तुम भी ना जिंटू, खुद को सुपर दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हो। भेजो इन सबको, वापस भेजो। और तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा चोर को। हाँ? हाँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये क्या? मैं कहाँ हूँ? कहाँ फंस गया मैं? जंगल में किसी शिकारी के जाल में तो नहीं फंस गया हूँ? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अब इस बोरी में कौन है? खोलो इसे। तुम बोरी में क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने भी कभी ना कभी चोरी की है। वो सॉरी, मैंने एक दो बार दूसरों के खेतों से चुरा कर एक दो गाजर खाई थी। कभी तो खाई थी। हाँ सॉरी वीर, रियली सॉरी, अब कभी नहीं करूँगा पक्का। ओके, कभी भी चोरी मत करना। चोरी करना बुरी बात है, फिर चाहे वो एक पैसे की चोरी हो या एक गाजर की। जब बंटी के दिमाग की घंटी बजती है ना, तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज आते हैं कि पूछो ही मत। तो पूछ कौन रहा है भाई? इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि पूछो मत, मैं खुद ही बता देता हूँ। वीर, तुमने ये कैसे कर दिया? कैसे कर दिया मेरे बच्चे? किया कैसे? कर दिया सब। वो देखो, स्कूल पेंट हो चुका है। वाह वाह, क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया है तुमने। लाइट येलो विथ ग्रीन, विंडो का कलर भी अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे सपने आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे सच में स्कूल पेंट हो गया। जिंटू, अब मैं जितना कहूँ उतना ही करना प्लीज। आओ मेरे साथ। जिंटू, अब जल्दी से किसी स्टूडेंट का रूप लेकर पेंटिंग शुरू कर दो। ओके बॉस। मैं भी देखता हूँ कि वीर कैसे शाम तक सब पेंट करता है। कक्कड़ सर आ रहे हैं। जिंटू, कक्कड़ सर आ रहे हैं। वाह वाह वीर, तुमने पेंट करना शुरू भी कर दिया। लेकिन दूसरी क्लासेस में कौन पेंट कर रहा है? चलो देखते हैं। चल के देखिए सर, हर क्लास में पेंट हो रहा है। Oh, boy, dear.
ये क्या कर रहे हो? सर, वीर जहाँ होता है वहाँ जादू होता है। जादू, ये सब ना जादू से हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। आज वीर का पोल खोल के ही रहूंगा। वेरी गुड, अब मुझे यकीन हो गया है कि शाम तक पूरी पेंटिंग हो जाएगी। मैं जाके प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। महापुरुष, साधु तो बन गए लेकिन करोगे क्या ये तो बताओ। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो देखते हैं इमली मुझे पहचान पाती है कि नहीं। अगर उसने मुझे नहीं पहचाना तो कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम मुझसे दूर चले जाओ। अलक निरंजन इमली बेटा। प्रणाम बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम जानते हैं। तुम्हारे पिता सिन्हा साहिब है, तुम्हारे दोस्त का नाम है वीर और चुलबुल। कमाल हो गया बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा सबको लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। चुलबुल फंस गए, वो अपने मम्मी पापा और सबको लेकर आ रही है। हाँ, ये छोटा सा साधु कौन है और चुलबुल के साथ क्या कर रहा है? मैं उसके मम्मी पापा के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। चलो भाग चलते हैं। लो, मम्मी पापा आ गए। कहाँ हैं? कहाँ हैं? उनको मत बुलाओ प्लीज। इमली मत मत। तुम वीर हो। मुझे मालूम है, मैं तो देखते ही पहचान गई थी, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। जिंटू, जिंटू जल्दी आओ। यस बॉस, क्या काम है? मुझे नॉर्मल करो। ओके बॉस। मम्मी चुपचाप जल्दी से आओ, यहाँ एक पे दो फ्री सेल लगी है। एक पे दो फ्री की सेल में मैं अभी आई। अरे पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा था? कहाँ सेल लगी है? सेल नहीं है, सेल तो बहाना था, वरना आप इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। मम्मी मम्मी वो देखो वहाँ क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी। जिंटू चलो मुझे फिर साधु बना दो, मैं साधु बन के प्रकाश और उसके दोस्तों को अच्छाई का पाठ पढ़ाऊंगा। ओके बॉस। हम यहाँ कैसे आ गए? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं तो जैसे उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बंटी बंटी, वीर जादू करता है, वीर जादू करता है। कहाँ जादू है, मुझे तो नहीं दिख रहा। वो देखो तुम्हें नहीं दिख रहा, वो देखो। जिंटू जल्दी से इन सबको गायब करो, जल्दी। फिर पार्ट कैसे पढ़ाओगे वीर? ओके जैसा तुम कहो। वीर तुम बहुत छोटे हो, इन बड़े लड़कों से जीतना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। आप रेस स्टार्ट करिए। वीर वीर तुम नहीं दौड़ सकते। करण कहाँ है? सर उसके पैर में चोट लग गई है, वो घर चला गया। जरूर उस खुराना ने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या होगा? ऑन योर मार्क्स गेट सेट। मिस्टर खुराना, वो देखिए वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दौड़ रहा है, उसे क्या लगता है कि वो जीत जाएगा? कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो और हाँ उस पर नजर रखो। वीर तुम इन लड़कों से नहीं जीत सकते, अगर रोबोटिक पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है, मुझे ऐसा डर कि किसी को पता ना चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। बच्चे थक जाओ तो बता देना, मैं गोदी में उठा लूंगा।
ये लो जी। जल्दी कराओ, सब टेबल चेयर लगाओ। अभी तो रेस शुरू हुई है, सबको आने में टाइम लगेगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया? तुम कहाँ से आ गए? मैं तो आपके पीछे ही भाग रहा था। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो, ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ये कैसे भाग रहा है? जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। तो सुनो जिन, मैं हूँ जिन। ये क्या बना रहे हो बॉस? मैं ये रेलवे ट्रैक पे चलने वाली कार बना रहा हूँ। इसके सब पार्ट्स बना दिए हैं, इन्हें तुम जल्दी से जोड़ दो, ठीक है? ओके बॉस। थैंक यू जिंटू। अब देखना ये है कि ये कार रेलवे ट्रैक पे चल सकती है या नहीं। तुम उतरो, ये कार तुम्हारे लिए नहीं है, मैं और इमली बैठेंगे इसमें। उतरो उतरो। चलो देखते हैं ये कार चलती है कि नहीं। दो, मजा आ रहा है। जिंटू, मेरा हुकुम है कि कार उड़ाना बंद करो। ओके बॉस। मम्मी, वीर की कार। मम्मी, वीर की कार उड़ती है। उसके पास जिन है, जिन। जल्दी चलो, देखो। जल्दी आना, जल्दी। मम्मी, जल्दी कार आ रही है। लो, तुम्हारी दोस्त बंटी ने फिर देख लिया। अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। जो कुछ तुमने देखा है अभी, याद तुम्हें ना कुछ आए। जिंटू, तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों के सामने मेरा सारा नाश खोल दोगे। हाँ, क्या दिखा रहा था? मैं तो कुछ नहीं दिखा रहा था। अभी तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, अब क्या हुआ? मैंने तो नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊंगा आपको? चल, कान पकड़ और मेरे साथ नीचे चल। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? दादाजी, वीर एक ऐसी कार बना रहा है जो रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ सके। बच्चों, मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई कार नहीं बनानी चाहिए जो रेलवे ट्रैक पर चलाई जाए। हाँ, सामने से या पीछे से कहीं से भी ट्रेन आ सकती है, जो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। दादाजी, मैं मानता हूँ बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं तो एक रोबोट हूँ ना। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी पावर का इस्तेमाल कभी दूसरों के सामने नहीं करना। ये कह रहा था चुलबुल पतंग पे धागा बांधे आसमान में गया, और ये भी धागे पे चल के आसमान पे गया। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। आंटी, वो छत पे सो रहा था, उसने सपना देखा होगा। तुम भी ना टाइम बर्बाद करते हो मेरा। कान पकड़ो और मेरे साथ चलो। पतंग के धागे पर कोई चल सकता है भला? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? नीचे तो चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। प्लीज, अपने जादू का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए फिर मत करना। ओके बॉस। मुन्नु, शर्म नहीं आती? तुम मेरी पतंग लेकर घूम रहे हो। ये मेरी पतंग है, मेरे
कैकी, ये पतंग किसकी है? ये तो तुम्हारी है। लाओ इसे। वीर, हमें मुन्नू की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ मुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे पापा ने मुझे 10 पतंग दी थी, सब बंटी ने छीन लिया। तुम चिंता मत करो, मैं पतंग उड़ा के सबकी पतंग काट दूंगा और वो पतंग तुमको लाके दूंगा। सच वीर? सच मुझ, आ मेरे साथ। दिन मैं हूँ जिन। अरे हमें मालूम है रे बाबा, बार बार क्यों बताते हो? बॉस क्या काम है बोलो। मैं यहाँ बंटी और उनके दोस्तों की पतंग काटूंगा और तुम उन कटी पतंगों की डोर मेरी डोर से बांध देना, ठीक है? फिर मैं वो पतंग नीचे खींच के ले आऊंगा और मुन्नू को दे दूंगा। वीर आओ, पेच लड़ाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी पतंग काटना इम्पॉसिबल है। दादाजी हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। अरे ये तो अपनी पतंग ही कट गई। वो काटा। ये कैसे हो गया? मेरी पतंग कटी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने डोर ढीली छोड़ दी थी। है ना चलबुल? हाँ हाँ हाँ। आप जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। वीर चलो, पहले तुम्हारी सर्विसिंग करवा दूं। आज वीर की पोल जरूर खुलेगी। मम्मे! वीर, वीर, कहाँ हो तुम? देखिए देखिए, आप अपने आप ही देख लीजिए, देखिए। क्या कर रहे हैं आप? बंटी कहाँ है मशीन? तुम हमेशा हमें परेशान करते रहते हो। इस बार तो मैं प्रूफ लेकर आया हूँ, रुकिए। ये देखिए, वो क्लिप कहाँ गई जो मैंने शूट की थी? तुम कान पकड़कर घर चलो, मैं बताता हूँ कि वो क्लिप किधर गई। मम्मी मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी मेरी बात, मम्मी रुको, मम्मी कहाँ जा रही हूँ? मैंने क्या, मैं क्या सच कह रहा था? मम्मी मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू घर चल, फिर बताता हूँ तुझे। सही था, तोता ही चोर है, आओ और इसे पकड़ लो। तोते से कोई चोरी करवा रहा है, मैं इसका पीछा करके उसे पकड़ूंगा। वो बाहर निकल गया। डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ। पंखों का पीछा पैरों से नहीं हो सकता, जिंटू को बुलाओ, वो हमें उड़ा के ले जाएगा। तब दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। यस बॉस, क्या काम है? हमें उस तोते का पीछा करना है, हमें उड़ा के ले चलो। Thy wish is my command, बॉस।